नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज का वीडियो सलमान खान की आने वाली फिल्म सिकंदर के बारे में है। सलमान खान पहले दोस्तों और फिल्म करने वाले थे, किक टू शुरू करने वाले थे, इसके अलावा करण जौहर की द बुल शुरू करने वाले थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसी बातें हुई, करण जौहर ने काफी लेट कर दी फिल्म को, काफी डिले कर दिया, तो उन्होंने फिल्म को छोड़ दिया। और अब बाद में भविष्य में देखेंगे कि करना है या नहीं करना है। इस बीच उन्होंने एक नई फिल्म शायरी कर ली जिसका नाम है सिकंदर, और ये काफी बड़े बजट की फिल्म होने वाली है। साजिद नाडियाडवाला के साथ उनका कोलोब्रेशन हुआ है, जिनके साथ वो जुड़वा जैसे मुझसे शादी करोगे, जुड़वा किक जैसी कई फिल्में कर चुके हैं, तो बड़ा कोलोब्रेशन साथ में हुआ। बड़े बजट की फिल्म, एक्शन से भरपूर फिल्म आ रही है जिसका नाम है सिकंदर, टाइटल भी काफी अच्छा है। मुकेंद्र का सिकंदर का याद आता होगा आपको इस नाम को सुनकर के, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना की आइकॉनिक मूवी थी, ब्लॉकबस्टर मूवी थी। तो सिकंदर इसका टाइटल रखा गया है। ए आर मुरुगदास जिन्होंने गजनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई है, तो वो इस फिल्म के डायरेक्टर है। तो इस फिल्म को सलमान खान बहुत ज़्यादा मतलब तवज्जो दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ इसको बनाना चाहते हैं। और इसकी शूटिंग के बारे में अपडेट बता दूँ आपको कि 20 जून से, जी हाँ दोस्तों, 20 जून से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है। बहुत बड़े पैमाने पर शूटिंग होगी, बड़ी लेवल पर शूटिंग होगी। मुंबई में इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी, मुंबई में। और मुंबई के बाद में इस फिल्म की जो अगली जो नेक्स्ट शूटिंग शेड्यूल होगा वो दोस्तों साउथ में कुछ जगह पे इसकी शूटिंग शेड्यूल होगी, और उसके बाद में विदेशी लोकेशन पे भी फिल्म की शूटिंग की जाएगी, विदेशों में फिल्म की शूट की जाएगी। और इतना नहीं दोस्तों, इस फिल्म को ईद 2025 को रिलीज किया जाना है, तो बहुत तेजी से इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की जाएगी। अब जहाँ तक बात करें कि रश्मिका मंदाना, इसमें मुख्य एक्ट्रेस जो सलमान खान की अपोजिट है उनको साइन कर लिया गया है, और मुख्य विलेन का भी खुलासा नहीं हुआ है कि मुख्य विलेन कौन होगा। इसमें चर्चाएं जोरों पे है, लेकिन ये भी खबरें आ रही है कि साउथ से होगा इसमें मुख्य विलेन। अब साउथ से होगा तो कौन होगा बड़ा विलेन, गेस कीजिएगा। बीच में खबरें आई थी कि बॉबी देओल वगैरह उनमें से कुछ कोई हो सकता है, संजय दत्त है, लेकिन अभी तक किसी को भी कंफर्म नहीं किया जा सकता दोस्तों, क्योंकि अभी तक कंफर्म हुआ ही नहीं है, तो कंफर्म कहाँ से करें। कंफर्म होगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें विलेन भी बहुत तगड़ा होगा, तो बहुत जबरदस्त इसमें विलेन भी आने वाला है। कौन आएगा जल्दी ही खुलासा होगा बाकी स्टार कास्ट के बारे में। बाकी फिल्म काफी जबरदस्ती हो सकती है, सलमान खान की पूरी उम्मीद इस फिल्म से टिकी हुई है, क्योंकि टाइगर जिंदा है, वो भी ज़्यादा कुछ चली नहीं थी, अभी टाइगर 3 भी ज़्यादा नहीं चली थी, तो देखते हैं क्या इसका डिसीजन होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय बजरंग।